السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نهاية قابل قدر بزرگان محترم پردہ نشین میری لاڈلی ماں اور بہنوں پروردگار عالم کا احسان و کرم ہوا کہ انہوں نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس اور پیارا مہینہ عطا فرمایا جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے
कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सहाबा इकराम दो दो तीन तीन चार चार माह पहले अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर देते थे कि मेरे मालिक, अगर इतनी जिंदगी आपने अता फरमाई तो रमजानुल मुबारक का महीना भी अता फरमा, रमजानुल मुबारक का महीना ये वो बाबरकत महीना है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम महीनों की सरदारी अता फरमाई है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे साथ गुज़िश्ता साल रमजानुल मुबारक में थे, सहर किया, इफ्तार किया, बहुत सारी माएँ बहनें और बेटियां जिन्होंने आपके साथ मिलकर सहर इफ्तार किया, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। परवरदिगार आलम इस माह मुबारक की दौलत 1,24,000 सहाबा इकराम, 1,24,000 अंबिया इकराम और उनकी उम्मतों में से किसी और को नहीं अता किया, बल्कि ये उम्मत मुहम्मदिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। जाहिर सी बात है कि इस माह मुबारक की फजीलत की कोई बुनियादी वजह होगी और इसकी बुनियादी वजह दिन का रोजा है और रात का क़याम है, यानी रमजानुल मुबारक के दिन में रोजा रखना और रात में अल्लाह के पाकीजा कलाम की तिलावत करना और तिलावत सुनना, ये इसकी फजीलत की बुनियाद है जो इससे पहले वाली किसी उम्मत को अल्लाह पाक ने नहीं दिया। मगर अफसोस का मकाम यह है कि मर्दों में बमुश्किल 40% लोग रोजा रखते हैं और औरतों में बमुश्किल 60% औरतें रोजा रखती हैं। अल्लाह ना करे अगर इस माह मुबारक की इस हालत में कि हम रोजे की हालत से ना हो और हमारी मौत आ जाए, मौत का फरिश्ता आ जाए, तो खुदा जाने हमारी क्या हालत होगी और हम सवालों के जवाबात अल्लाह की अदालत में कैसे दे पाएंगे। मेरी माओ, मेरी बहनों, अल्लाह पाक ने अपने बंदों पे जितनी इबादात फर्ज की हैं, पूरी तारीख और पूरे कुरान और पूरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का आप मुताला कर लें, अहले इल्म से आप पूछ लें कि चाहे उस इबादत का ताल्लुक फराइज से हो, चाहे उस इबादत का ताल्लुक वाजिबात से हो, चाहे उस इबादत का ताल्लुक सुनन से हो, चाहे उस इबादत का ताल्लुक मुस्तहबात से हो, चाहे उस इबादत का ताल्लुक नवाफिल से हो, एक इबादत भी ऐसी नहीं जिसके बारे में अल्लाह ने यह कहा हो कि यह इबादत मेरे लिए। नमाज के लिए अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो, लेकिन यह नहीं कहा कि नमाज मेरे लिए है। जकात के बारे में अल्लाह ने कहा कि जकात अदा करो, लेकिन यह नहीं कहा कि जकात मेरे लिए है। बैतुल्लाह के हज के लिए अल्लाह ने कहा कि हज करो, लेकिन यह नहीं फरमाया कि यह हज मेरे लिए है। दुनिया की कोई एक इबादत ऐसी नहीं जिसके बारे में अल्लाह ने यह कहा हो कि यह मेरे लिए है। मेरे मोहतरम, मेरी माओ, मेरी लाडलियों, ये वाहिद रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये मेरे लिए है और खास मेरे लिए, कि अगर कोई बंदा ये चाहे, अगर कोई बंदी ये चाहे कि रोजे के अंदर मिलावट कर दें, रोजे के अंदर रिया पैदा कर दें, रिया रोजे को इखलास से खाली कर दें, अगर चाहे इसके बावजूद ये ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि ये इबादत फकत मेरे लिए रखी गई। चुनांचे आप देखें कि जितनी भी इबादत हैं, अगर आप चाहें तो उसके अंदर रियाकारी पैदा हो सकती है,
अगर आप चाहें तो उसके अंदर दिखावा पैदा हो सकता है, लेकिन दुनिया की एक इबादत ऐसी है और वो रोजा है जिसके अंदर हम चाह कर भी रियाकारी पैदा नहीं कर सकते, और चाह कर भी अगर एक मर्तबा उसकी नियत कर लिया तो शाम तक उसके अंदर आप रियाकारी दिखावा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए कि उसकी कोई शक्ल नहीं बसती है। सजदा दिखाने के लिए हो सकता है, ज़कात दिखाने के लिए हो सकता है, जैसा कि हमारे माशरे में हमारे माहौल में चल रहा है कि लोग ज़कात की रकम की तकसीम के लिए वीडियो कैमरा वालों को बुलाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं और एक गरीब फकीर मोहताज बेवा यतीम का मजाक बनाया जाता है। जाहिर बात है कि ये ज़कात आपके फर्ज तो अदा हो गए, लेकिन इसके अंदर वो इबादत का सवाब नहीं मिल सकता, इसलिए कि आपने दुनिया को दिखाने के लिए ज़कात अदा किया है। इसी तरीके से आप रुकू, आप सजदा, आप कयाम, आप तरावी, आप हज और दूसरी तमाम इबादत आप लोगों को दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन रोजा दिखाने के लिए हो ही नहीं सकता। आप चाह भी लें तब भी रोजा नहीं, रियाकारी पैदा नहीं हो सकती इस पे। मिसाल के तौर पर आपने सुबह से लेकर शाम तक 45 डिग्री के अंदर रोजा रखा, आपके होंठ सूख गए, पानी को आपके होंठ तरसने लगे, हलक आपका खुश्क हो गया, आप गुसलखाने में गए गुसल करने के लिए, वहां तो कोई नहीं था, दरवाजा बंद है और शावर से ठंडा पानी आ रहा है, आपके मुंह के अंदर पानी तो गया लेकिन हलक में उतरने से पहले आपने पानी को बाहर फेंक दिया ये कहकर कि मेरी हालत रोजे की है। जाहिर बात है कि वहां अगर आप पानी पी लेते तो पता किसी को नहीं चलता, मगर इस तन्हाई में अगर आपने अपने आप को बचाया है तो यह इबादत की मेराज कहलाती है। बताओ किसके डर से बचा और किसके खौफ से आपने रोजे की हिफाजत की है? आप वहां जाते तो पानी पी लेते, मगर आप जानते हो कि रोजा नहीं होगा, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यह मेरे लिए खालिस बंदा रखता है। हाँ, यह अलग बात है कि इसके अंदर हमें रूहानियत पैदा करने की जरूरत है, इसलिए कि दुनिया की कोई इबादत उसका अपना एक असली ढांचा होता है और एक उसकी रूह होती है। रूह वो है जो दिखती नहीं और साचा वो है जो दिखता है। जैसे कि नमाज है, आपने रुकू किया, आपने सजदा किया, आपने क्याम किया, आपने अत्तहियात पढ़ी, ये सारे का सारा ढांचा है, मगर उसके अंदर एक रूह है। इसी तरीके से रोजे के अंदर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो ढांचा है, जैसे कि हमने सेहरी किया दुनिया ने देख लिया, हमने इफ्तार किया दुनिया ने देख लिया, लेकिन एक इसकी रूह है, और रूह के बगैर इबादत की फर्जियत तो अदा होती है, मगर उस पर जो सवाब मिलनी चाहिए वो रूह के बगैर नहीं मिल सकती है। रोजे की रूह क्या है? मुनकिरात से बचना। आपने सेहरी खाया, इफ्तार किया, आप मुनकिरात से बचे नहीं, आपने अपनी फिक्र की हिफाजत नहीं की, आपने अपने सोच की हिफाजत नहीं की, आपने अपनी नजर की हिफाजत नहीं की, आपने अपने जबान की हिफाजत नहीं की, आपने अपने आदा की हिफाजत नहीं की, तो फरमाया कि फर्ज तो अदा हो जाएगा लेकिन आपको रोजे का सवाब नहीं मिल सकता है। नजर की हिफाजत रोजे की जान है, ख्यालात की हिफाजत रोजे की जान है। आप रोजे की हालत में रहकर किसी गंदे ख्यालात का दाखला अपने जहन में नहीं कर सकते। अगर आपने रोजे की हालत में फिक्र को भी अगर गंदा बनाया तो रोजा खराब होगा, सोच को भी अगर गंदी किया तो रोजा खराब होगा, नजर की हिफाजत अगर ना की तो रोजा खराब होगा। मिसाल के तौर पर रोजे की हालत में ऐसे तो सारी जिंदगी गैर महरम को नहीं देखना है, लेकिन रोजे के मुनकरात में से यह भी है
कि आपकी नजर किसी गैर पे ना पड़े, आप किसी गैर महरम को ना देखें, औरत किसी गैर मर्द को ना देखे, मर्द किसी गैर औरत को ना देखे। अगर नजर की हिफाजत ना हुई तो आप भूखे रहोगे, सिवाय इसके रोजे का कोई अज्र आपको नहीं मिल सकता। जैसा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुब साइमिन लैस लहू मिन इल्ला जू, कि आप सिवाय भूखे रहने के रोजे का कोई सवाब नहीं पाओगे। आज सोशल मीडिया, हम जाहिरी तौर पर अपने आप को बचा लेते हैं, अपनी नजर की हिफाजत कर लेते हैं, लेकिन जहां हमारे हाथ में मोबाइल आता है, मोबाइल के स्क्रीन पर गैर महरम औरतें आती हैं। औरतों के हाथ में मोबाइल है, उसके स्क्रीन पर गैर महरम मर्द आ गए। फुकहा ने, उलमा ने और तमाम अइम्मा ने इस बात की वजाहत की है कि जिस तरह गैर औरत को, गैर मर्द को सामने से देखना हराम है, इसी तरह उसकी तस्वीर देखना भी हराम है। अब आप बताएं कि हम में से कितने लोग अपने नजर की हिफाजत कर पा रहे हैं? जाहिर बात है, अगर नजर की हिफाजत न हुई तो रोजे का सवाब हमको नहीं मिलेगा और हम रोजे के सवाब से महरूम हो जाएंगे। इसी तरीके से जहन के अंदर गैर की तस्वीर को लाना, यह भी हराम है। हम में से कितने लोग अपने रोजे की हिफाजत ख्यालात की हिफाजत के साथ कर पाते हैं? इसी तरीके से जबान की हिफाजत रोजे के मुनकरात में से है कि जबान की हिफाजत अगर नहीं होगी, झूठ बोलोगे रोजे की हालत में, रोजे की जान खत्म हो जाएगी। गाली दोगे रोजे की हालत में, रोजे की जान खत्म हो जाएगी। गैर औरत से बात करोगे, चाहे सामने करो, चाहे मोबाइल पे करो, चाहे मैसेज के रास्ते से करो, आपके रोजे की जान खत्म हो जाएगी। आज अच्छे अच्छे लोग, बाशरा अहले इल्म का तबका, अवाम की बातें मैं नहीं करता, अहले इल्म का तबका, अहले दानिश्वर की जमात भी आज इन बुराइयों से अपने आप को रोजे की हालत में बचा नहीं पाते। नतीजा इसका यह है कि 30 रोजे मुकम्मल हो जाते हैं मगर हमारे अंदर वो फरहत, वो मसर्रत, वो रोजे की खुशी, वो रोजे की लज्जत हमारे अंदर पैदा नहीं होती जो हजरते सहाबा को, ताबईन को, तबे ताबईन को, कुतब अब्दाल वलिये कामिलीन को और हजरते अइम्मा को हासिल हुआ करता था। जाहिर बात है कि आखिर अल्लाह ने जो ये बात फरमाई कि सहरी के वक्त तेरी दुआ मैं रद्द नहीं करता और इफ्तार के वक्त तेरी दुआ मैं रद्द नहीं करता, तो ये नहीं हो सकता कि एक ऐसा आदमी इफ्तारी के लिए बैठा हो जिसने रोजे की रूह को कत्ल किया हो और फिर उसके लिए अल्लाह ये कह रहा हो मैं तेरी दुआ को रद्द नहीं करता। जाहिर बात है ये वादा अल्लाह का ऐसे रोजेदारों के लिए है जिन्होंने रोजे के शरायत को मुकम्मल किया हो, जिसने रोजे की हिफाजत की हो, जिसने निगाह की हिफाजत की हो, ख्यालात की हिफाजत की हो, अपने हाथ की हिफाजत की हो, अपने जबान की हिफाजत की हो, अपने जिस्म के एक एक आजा की हिफाजत की हो। यह वादा उन लोगों के लिए अल्लाह का है कि जब तू इफ्तार के लिए बैठता है, मैं फरिश्तों की मुकद्दस जमात को तेरा सीन दिखाता हूं, तेरा मंदर दिखाता हूं और उन फरिश्तों से कहता हूं कि जरा बता ये कौन लोग हैं। जिन फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह आदम को, आदम की औलाद को दुनिया में मत भेजिए, ये तो फसादात करेंगे, ये तो दंगा करेंगे, ये तो आपकी नाफरमानी करेंगे, फिर अल्लाह उन फरिश्तों को दिखाता है जरा बताओ ये कौन है, आदम की औलाद है नहीं। परवरदिगार आलम ने इशारत फरमाया, फरिश्तों आओ मुझे बताओ ये कौन लोग हैं। 12-14 घंटे गुजर गए, एक कतरा पानी का मुंह में ना गया, होठ सूखने को आ गया, हलक में खुश्की पड़ गई, सामने सारी नेमतें मौजूद है, ठंडा पानी मौजूद है,
शरबत मौजूद है, तरह तरह की चीजें मौजूद है, मगर फरिश्तों बताओ तो सही इंतजार किसका है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं फरिश्तों की जमात, कहती है मेरे परवरदिगार तेरे नाम की आवाज का इंतजार है। जब तक तू इजाजत ना दे, जब तक तेरा नाम ना सुने, खाना नहीं पीना नहीं। परवरदिगार आलम मुसर्रत में खुशी में झूम कर कहता है, आओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी मगफिरत कर दी। इफ्तार बाद में होगी, रोजा बाद में होगा, मैं मगफिरत का वादा पहले करता हूं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी उम्मतियों, मैं क्या बताऊं, कयामत का मंजर होगा, 1,24,000 अंबिया की मुकद्दस जमात मौजूद होगी, अर्श की कुर्सी पर मेरा रब होगा और मैं रब के करीब बैठा रहूंगा, तमाम नबियों की उम्मत का मजमा लगा होगा। अल्लाह पाक फखर से कहेगा, ओ काली कमली वाले, उस उम्मत को बुलाओ जिसने मेरे लिए रोजा रखा। वहां हम भी होंगे, आप भी होंगे, माँ भी होगी, बहन भी होगी, बेटियां भी होंगी, जिन्होंने रमजान की कदर की हो, जिन्होंने रमजान को कुरान की तिलावत में गुजारा हो, जिन्होंने रमजान को तहज्जुद में गुजारा हो, जिसने रमजान की खुशियां मनाई हो, जिसने रमजान में अपने रब को रो रो कर मनाया हो। सारे अंबिया और सारे अंबिया की उम्मत, खुदावंदे जुलजलाल की कसम, इस मंदिर को अपनी आंखों से देखेगी। फैसला हो गया, मीजान बंद हो गया, तराजू बंद हो गया, नमाजी जन्नत में गए, हाजी जन्नत में गए, आदम की उम्मत जन्नत में गई, फरिश्ते लेकर गए, अब तमाम के तमाम लोग जन्नत में चले गए, मैदान खाली हो गया, मगर एक बहुत बड़ी जमात अभी मैदान में बैठी है, नामे आमाल ना मिला। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सारे लोग, फैसला हो गया, जहन्नमी जहन्नम में गए, नमाजी जन्नत में गए, हाजी जन्नत में गए, मुजाहिद जन्नत में गए, काजी जन्नत में गए, नेक औरत जन्नत में गई, सदका खैरात करने वाली जन्नत में गई, मगर एक बहुत बड़ी जमात बैठी है वहां, और औरतें भी है, मर्द भी है, आलिम भी है, जाहिल भी है, नामाए आमाल नहीं दिया जा रहा इनको। सारे लोग चले गए, तकसीम कार फरिश्ते खड़े हैं, परवरदिगार इनके बारे में कोई फैसला तो सुना, इन्हें कहां लेकर जाऊं, आए हाय क्या मंदर होगा रब्बे काबा की कसम, उन बेगैरत मुसलमानों को कौन समझाए जो आज इस्लाम का सरे बाजार मजाक बनाते हैं, जो आज इस्लाम की तौहीन करते हैं। खुदा की कसम जिगर से खून निकलता है कि आज इस पुरफतन दौर में भी मजहब इस्लाम के रोजे का अदब और रोजे का एहतराम हमसे ज्यादा ये काफिर करते हैं। अगर इन काफिरों को पता चल जाए कि ये मुसलमान है, रोजे की हालत में अल्लाह की कसम सिगरेट नहीं पीते, पान नहीं खाते, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते हमारे सामने, कि रोजा है,
काश के इतना अदब भी आज ईमान वाला रोजे की कर लेता। आप बाजारों में जाकर के देखें, सर से पांव तक बुर्का पहने हुई, निकाब लगाए हुई, सरेआम सर्कल पे खड़ी होकर के खा रही है, पी रही है। इन बेगैरत और बेशर्म को नहीं मालूम कि ये कुरान की तौहीन है, ये मजहब इस्लाम की तौहीन है, ये शरीयत की तौहीन है। अगर खुद मुसलमान रमजान की कदर ना करे तो कौन इसकी इज्जत करेगा? एक तो रोजा नहीं रखते और उस पर सरेआम इस्लाम को बदनाम करते हैं। ये काफिर समझते हैं कि हर मुसलमान रोजा रखता है, हर मुसलमान भूखा है। हर टोपी पहन लो, आप रोजे की हालत में नहीं हो। आप टोपी पहनकर किसी काफिर के सामने जाकर के कहो मुझे एक चाय दे दो, खुदा की कसम वो फौरन पूछेगा मियाँ जी रोजा नहीं हो। गोया वो काफिर समझता है कि टोपी वाला मुसलमान रोजे की हालत में। आज हम रोना रोते हैं कि साहब हम पे जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर सितम ढाया जा रहा है। यह शिकायत हुकूमत से और यह शिकायत गैरों से। तुम नमाज को नहीं जाते, ये मस्जिद पे जुल्म नहीं। तुम रोजा नहीं रखते, ये कुरान पे अल्लाह के पैगाम पे जुल्म नहीं। तुम्हें रोजा रखने से किस हुकूमत ने मना किया आप बताओ? नमाज पढ़ने से किस हुकूमत ने आपको मना किया ये बताओ? सबका खैरात ज़कात देने से आपको किस हुकूमत ने मना किया? नमाज तहज्जुद में रब का कुरान पढ़ने से किसने मना किया? आज ये माहौल हमारे घरों से खत्म हो गया। घंटा घंटा बैठकर मोबाइल पर सीरियल देखने वाली हमारी बेटी, घंटा घंटा मोबाइल यूज करने वाली हमारी मां, अल्लाह की कसम एक पारा कुरान का पढ़ना 24 घंटे में इनके लिए कयामत आ गई, मुसीबत बन गई। पूरे रमजान खत्म हो जाएं, आप सर्वे कर लेना कि कितनी बेटियों ने कलाम मुकद्दस को मुकम्मल किया है। 2% भी आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगी। बताइए तिलावत से किस हुकूमत ने हमें रोका था आकर? किसने हमें कहा था कुरान नहीं पढ़ सकते हो? क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब चाइना की तरह कुरान की तिलावत पे भी पाबंदी हो? माहौल खत्म हो गया मौलाना हमारे घरों से। अल्लाह के कुरान की तिलावत, कपड़े डेली साफ होंगे, मकान में पोछा हर दिन लगेगा, पर्दे की सफाई हर दिन होगा, लेकिन अल्लाह का कुरान जो ऊपर रखा गया, सालों गुजर गया, इतनी धूल उस पे पड़ी है कोई झाड़ने वाला नहीं। गोया रब का कलाम यतीम हो गया, लावारिस हो गया, कि उसके सारे वारिस मर गए। चेहरे पे दिन भर में 4 मरतबा साबुन लगाया जाता है, लेकिन अल्लाह के कुरान को खोलता कौन है? उसके धूल को झाड़ने का मौका नहीं है हमारे पास। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इकलौती बेटी है, 16 साल की उम्र है। मेरी लाडलियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, कभी मौका मिले तो दीनी किताब और तवारीख का मुताला भी कर लिया करो, तुम्हारी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। 16 साल की जवान लड़की, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अचानक रात को 12 बजे उठे, आंख खुली तो देखा कि मासूम बेटी चिराग के हल्की रोशनी में बैठ करके अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। इमाम साहब ने देखा, जाकर सो गए। 2-4 घंटे के बाद फिर आंख खुली तो देखा कि फिर पढ़ रही है, उठी नहीं वहां से। इमाम शाफई रहमतुल्लाही अलैह करीब आए, सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी लाडली, ओ मेरी बिटिया, इतनी कम रोशनी में कुरान की तिलावत करती हो, मुझे डर लगता है कहीं आग की रोशनी पे असर ना पड़ जाए। ओ मेरी लगते जिगर, थोड़ी देर आराम कर लिया करो, अल्लाह
अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। मेरे मोहतरम, जमाना कितना बदल गया, हालात कितने बदल गए। पहले बाबा की आंख खुलती थी तो बेटी कुरान की तिलावत में नजर आती थी, आज बाबा की आंख खुलती है बेटी मोबाइल पे होती है। मेरी लाडली ओ, मेरी माँ ओ, मेरी बहन ओ, तुम्हारा गोद कितना बदल गया। एक जमाना वो था जब तुम्हारे गोद में ऐसी बेटियां पली थी, जब तुम्हारे गोद में ऐसी बेटियां जन्म लेती थी, जब तुम्हारे सीने का दूध ऐसी बेटियां तैयार करती थी, जो सारी रात नमाज तहज्जुद में खड़ी होकर रूठे हुए रब को मनाने की कसम खाती थी। कितना जमाना बदल गया। वो बेटियां अम्मा अब्बा के सोने का इंतजार करती थी, बाबा सो जाए, अम्मी सो जाए, फिर हम मुसल्ला बिछाएंगे, अपने रब को मनाएंगे। आज तेरा गोद इतना नापाक हो गया, तेरा दूध इतना गंदा हो गया कि आज तेरी बेटी कहती है माँ बाप सो जाए, फिर हम मोबाइल चलाएंगे। कितने हालात बदले, कितने मुसलमान बदले, और कितने माँ का गोद और माँ का सीना बदला, कितनी माँ की लोरियां बदल गई कि आज बेटियों के हालात इतने तब्दील हो गए। किसी जमाने में इन्हीं मुस्लिम माओं के पेट से जो बेटियां जन्म लेती थी वो हजारों को इस्लाम की आगोश में आने का सबब बनती थी। आज माओं का गोद बिगड़ा तो इतना बिगड़ा कि हमारी बेटियां आयशा और फातिमा गैरों के साथ जाकर के निकाह कर रही है, मुर्तद हो रही है। जरूरत इस बात की है कि बाप अपनी हिफाजत करे और मां अपने गोद की हिफाजत करे। जनाबे इमाम शाफई रहमतुल्लाही अलैह ने इरशाद फरमाया, बेटी थोड़ा आराम कर ले, आंख की रोशनी खराब होगी। अल्लाह अल्लाह, इमाम शाफई की लखते जिगर, 16 साल की अरब की दोशीजा बिटिया है, कहने लगी बाबा बात तो सही कहते हो मगर मैं क्या करूं, कुरान को बंद करते हो, बिस्तर पे जाते हो कोई आवाज देता है, ओ शाफई की बेटी बिस्तर पे सो रही है, कहीं ऐसा ना हो सोने की हालत में तेरी मौत आए। मेरे अब्बा जान, जब ये आवाज आती है मैं फिर उठती हूँ, वजू बनाती हूँ, कुरान की तिलावत में लग जाती हूँ कि मेरी आरजू ये है कि जब मेरी रूह निकले आखिरी मर्तबा मेरा दीदार रब का कुरान हो। न रोजे की हिफाजत है और न अल्लाह के कुरान की हिफाजत है, गोया के हमारा इनसे कोई रिश्ता ही नहीं। बयानात, इस्लाही बयानात प्रोग्राम, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते की रहबरी का जरिया है, वरना चलना उस रास्ते पर हमें कोई जिब्रील उंगली पकड़ा के चलाएगा नहीं, हमें कोई आलिम उंगली पकड़ाकर चलाएगा नहीं, चलना हमें। और अगर नियत में खोट हो, बस खाना पूरी करना है कि भाई हफ्ते का इज्तिमा है, हमें शरीक होना है, वापस आकर के तो हमें उसी रास्ते पे चलना है जिस पर हम पहले चल रहे थे, तो फिर मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी लाडलियों, याद रखो जिब्रील अमीन भी आकर के अगर खिताब करे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो सकता। पैगंबर की खिताब का फायदा भी उसी को पहुंचा जिसने दिल से माना है,
वरना अबू जहल तो आज भी जहन्नम में है। क्या पैगंबर का खिताब अबू जहल ने नहीं सुना, अबू लहब ने नहीं सुना? लेकिन अबू सुफियान ने दिल से सुना तो आगोश मुस्तफा में आए, सलमान ने गौर से सुना तो फारस से आए, अबू हुरैरा ने गौर से सुना तो यमन से आए, अबू जर ने दिल से सुना तो कबीले गफार को छोड़कर आए, हजरत सुहैब ने दिल से सुना तो रूम को लात मारा अपनी दौलत को और दरे मुस्तफा पे आकर के गुलाम मुस्तफा बन गए। मामला दिल का है, इरादा सही होनी चाहिए जो कही जाएगी कुरान सुन्नत की रोशनी में, अहले इल्म की जबान जो बोलेगी हम उस बोल पर चलेंगे तब कोई फायदा है, तब चेंजिंग अपनी लाइफ के अंदर आती है। तो अल्लाह पाक की अदालत में तमाम लोग जन्नत में चले गए, सारे के सारे लोग चले गए और एक बहुत बड़ी जमात बैठी है। फरिश्ते जो काम पर लगे हैं इंतजार में हैं, मेरा रब इनके बारे में कोई हुक्म दे तो हम अमल करें। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इनको तो अभी नामाए आमाल भी नहीं दिया आपने, इनको जाना कहां है ये तो आप बताएं कम से कम। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते नहीं नहीं, तुम तमाम के तमाम रुको, इनका बदला जन्नत नहीं। फरमाया इनका बदला हौज कौसर नहीं, इनका बदला जन्नत की नहरे नहीं, इनका बदला जन्नत के हूरों गिलमान नहीं, इनका बदला हीरे जवाहरात याकूत और जुमर्रत का मकान नहीं। फरमाया मेरे फरिश्तों तुम्हें पता होना चाहिए ये तमाम के तमाम वो लोग हैं असौमुली, ये मेरे लिए रोजा रखा करते थे। फरमाया मेरे मौला तो क्या हुआ? फरमाया हुआ ये रोजा मेरे लिए रखा, रोजा इसने मेरे लिए रखा, नजर की हिफाजत मेरे लिए किया था, जमान की हिफाजत मेरे लिए किया था, दिमाग की हिफाजत मेरे लिए किया था, खाने पीने से मेरे लिए रुका था। असौमुली दूसरी कोई बात ना थी वाना अजजी भी, आज इसका बदला मेरा दीदार है। रोजा मेरे लिए तो रोजे का बदला जन्नत नहीं बल्कि मैं रब खुद हूं कि आज मैं अपने बंदों को वो चेहरा दिखाऊंगा जिस चेहरे की लालच में मेरे बंदे ने रोजा रखा था। फरमाया रोजे का बदला जन्नत नहीं है। फिर अल्लाह पाक रोजे की शरायत के साथ रोजा रखने वालों को अपना हिजाब उठाकर अपना नूरानी चेहरा दिखाएगा, फिर रोजादार कहेगा मेरे मालिक दोबारा दुनिया में भेज देना, हम सारी जिंदगी रोजा रखेंगे अगर उसका बदला यह है। अब हमें जन्नत की जरूरत क्या है? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी माओ मेरी बहनों मेरी लाडलियों, आप दिल की आवाज दिल की सदाओं को सुने और अपनी जिंदगी को इबादात के जेवर से खूबसूरत बनाएं, अपने चेहरे को वजू करके खूबसूरत बनाएं। दुनिया की कोई चीज आपको वजू से ज्यादा खूबसूरती नहीं दे सकती है। तिलावत कुरान का माहौल बनाएं, आप कुरान की तिलावत करेंगे बच्चे नकल करेंगे। दिल तो मान रहा है, सुनते जा रहा है, सुनते जा रहा है। मौलाना पूछ रहे हैं कि बस क्या पूछ रहे हैं भाई, हजरत से बोल रहा हूँ कि दिल तो नहीं मान रहा है। आधा घंटा इतना रोजे की हालत, रोजे की हालत भी है। मौलाना का अंदर से बयान भी अनोखा है, दिल को डायरेक्ट दिल में पहुंचती है बात तेरा। दुआ कर लीजिए।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ اہل علم کی قدردانی کرنے والوں کی قدر پیدا فرما یا اللہ اہل علم کی عزت کرنے والوں کی قدر پیدا فرما یا اللہ ان کی عزت دنیا میں شہرت پیدا فرما یا اللہ اس اسکول کو کامیاب و کامرانی کی دولت عطا فرما یا اللہ لوگوں کی بری نظر سے اس اسکول کی اسکول میں پڑھانے اور پڑھنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس کو چلانے والے کے دل میں خلوص کی دولت پیدا فرما یا اللہ اخلاص کامل عطا فرما یا اللہ ہم میں سے جو لوگ روزے کی حالت میں ہیں مولا کریم ظاہر بات ہے آپ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسا تو رکھ نہیں سکتے لیکن آپ ویسا بنا کر قبول کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا مولا کریم ہماری ناقص عبادات کو اعلیٰ بنا کر کے قبول فرما لے یا اللہ جو کمی زیادتی روزے کی حالت میں ہم سے ہو رہی ہے مولا ہم انسان ہیں نا یا اللہ ہم کمزور ہیں نا مولا آپ طاقتور ہیں علی کل شیء قدیر ہیں یا اللہ آپ اس کو اعلیٰ ترین عبادت بنا کر کے قبول فرما لے مولا کریم ہم سب کو تلاوت قرآن کا ماہر بنا یا اللہ تلاوت قرآن سے محبت عطا فرما یا اللہ تلاوت قرآن کی چاشنی ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ قرآن کے زیور سے ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ غزہ کے مظلوموں کی حفاظت فرما یا اللہ 40,000 بچے بیٹیاں جوان شہید ہو گئے مولا ان کی شہادت کو قبول فرما یا اللہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی آزادی چاہتے ہیں یا اللہ پھر کوئی زمانے میں صلاح الدین ایوبی پیدا فرما پھر کوئی محمد ابن قاسم پیدا فرما مولا کریم تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے بچوں میں دین کا جذبہ اور دین کا ذوق پیدا فرما یا اللہ دین کا شوق پیدا فرما یا اللہ دلوں میں معرفت کی دولت پیدا فرما یا اللہ ہمارے گندے دلوں کو پاک کر کے تقویٰ عطا فرما اس دل میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما یا اللہ اپنی معرفت کا نور پیدا فرما یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنا اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ رمضان کی برکت سے ہر ایمان والے کی مغفرت فرما ہر ایمان والے کی قبر کو نور سے منور فرما یا اللہ ان کے معاملات کو آسان بنا یا اللہ جو لوگ کاروبار سے متعلق ہے مولا کریم ان کے کاروبار میں کامیابی اور ترقی عطا فرما یا اللہ لوگوں کی گندی اور بری نظر سے ہمارے قوم کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے لیے قبول فرما یا اللہ اسی طرح کا اجتماع ہمیں جنت کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما یا اللہ نہایت ہی گندی زبان ہماری ہے مولا کریم تو اسے پاک کر دے یا اللہ ہمارا دل ناپاک ہے اللہ اسے پاک کر دے ہماری نظریں گندی ہو چکی مولا کریم ہماری نگاہوں کو پاکیزگی کی دولت عطا فرما یا اللہ ہم نے جو کچھ کہا جو غلطیاں ہم سے ہوئی اور ہمارے سننے والوں نے جو کچھ سنا جو غلطیاں ان سے ہوئی اپنے فضل اپنے کرم سے معاف فرما دے یا اللہ ہماری دعا کو رمضان المبارک کی برکت سے اور روزے کی برکت سے قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم